नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त और शुभचिंतक डॉक्टर सोम भारती भार्गव। आज मैं युवा पीढ़ी के लिए एक विशेष विषय लेके आया हूं। वो विषय यह है कि आप जीवन में क्या करें। अजीब सा प्रश्न है, हम ऐसे प्रश्नों का अक्सर जवाब नहीं देते। हम अक्सर ऐसे प्रश्नों को टालते हैं। किन पे टालते हैं? अपने मां बाप पे, अपने भाई बहनों पे, समाज में, सोसाइटी में, शिक्षकों पे। अगर इस विषय को ठीक से समझना है तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि अंतिम सेकंड में भी आपके लिए कोई महत्वपूर्ण जानकारी हो सकती है, तो आप प्लीज इसे मिस ना करें। अब चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस दुनिया में जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसका एक विशेष महत्व होता है। उसको प्रकृति ने या ईश्वर ने एक विशेष संदेश के साथ, एक विशेष मैसेज के साथ भेजा है। ये मैसेज आपको कैसे पता चले, ये जानना जरूरी है। इसी को हम लोग कहते हैं कि हम अपने सपने तय करें। वी हैव टू फिक्स अवर ड्रीम्स। वैसे तो देखिए, ड्रीम्स के कई मायने हैं। हम रात में सोते हैं, रात में भी हमको सपने दिखाई देते हैं, मगर मैं उन सपनों की बात नहीं कर रहा। मैं उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आपको सिर्फ सोते समय नहीं, जागते समय भी दिखाई देते हैं, जो आपको बताते हैं कि आपके जीवन की दिशा क्या होनी चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो आपने देखा होगा, मैं तो चाइल्ड काउंसलर हूं, बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ कहा है, गुड पेरेंटिंग पे बहुत कुछ कहा है। पर्सनली लोग भी मेरे पास आते हैं अपने बच्चे की काउंसलिंग के लिए, तो हमने देखा है हर बच्चा एक सपना लेके पैदा हुआ है। जरूरत है उस सपने को पहचानने की, जरूरत है उस सपने को आइडेंटिफाई करने की, और उसको, उस सपने को उसका पिता या उसकी मां या उसके दादा दादी या उसके परिवार के लोग या उसके शिक्षक नहीं पहचान सकते। ये सपना अगर कोई पहचान सकता है तो सिर्फ और सिर्फ वह बच्चा ही पहचान सकता है। बहुत सारे बच्चे आते हैं, बचपन से ही बताते हैं कि अंकल मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूंगा। बहुत सारे बच्चे हैं आके बोलते हैं अंकल मैं तो एरोप्लेन उड़ाऊंगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये कहते हैं अंकल मुझे तो फौज में जाना है, अंकल मैं तो पापा जैसा बनना चाहता हूं, या मैं तो मामा जैसा बनना चाहता हूं। यहां तक तो ठीक है, लेकिन हम इन सपनों पे काम नहीं करते और ये बचपन की बात बचपन में ही समाप्त हो जाती है, एक हंसी मजाक का जरिया बन के रह जाती है। और जब वो बच्चा बड़ा होता है तो माँ बाप अपने सपने उस बच्चे पे लाद देते हैं, नाना नानी अपने सपने लाद देते हैं, दादा दादी अपने सपने लाद देते हैं, शिक्षक अपने सपने लाद देता है, सारे लोग अपने अपने सपने लाद देते हैं। बच्चा समझ ही नहीं पाता कि उसको एक्चुअली क्यों इस पृथ्वी पे भेजा गया है, क्यों इस दुनिया में वो आया है। और ऐसे में वह एक कुंठा का शिकार हो जाता है, या फिर वो जॉब प्रोफाइल के हिसाब से दौड़ भाग करके कुछ भी सब्जेक्ट ले लेता है। जिस बच्चे को आर्ट्स में जाना चाहिए था, जिस बच्चे को एक अच्छा कलाकार होना चाहिए था, वो बच्चा वो सब चीजें छोड़ के चला जाता है मैथमेटिक्स में पढ़ने लगता है, इंजीनियरिंग करने चला जाता है, और फिर उससे इंजीनियरिंग भी नहीं हो पाता है। कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है, वो बच्चे को सपना स्पोर्ट्स का आता है, लेकिन उसको हम मेडिकल में डलवा देते हैं, तो वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन पाता, अच्छा स्पोर्ट्समैन भी नहीं बन पाता। ये दोहराव जिंदगी का उसको सारी जिंदगी सालता रहता है, टीसता रहता है। जिंदगी में सफलता महत्वपूर्ण नहीं है, सफल होना महत्वपूर्ण है।
सफलता और सफल होने में जो अंतर है उसको हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे। लेकिन आज हम समझ लें कि हमको जैसे ही सपना आने लगे या हमको समझ में आने लगे कि हमारा ये ड्रीम प्रोजेक्ट हो सकता है, ये हमारा ड्रीम जॉब हो सकता है, या हम ऐसे दिखना चाहते हैं, तो आप फौरन डायरी में लिखना शुरू कर दीजिए। कई बार सपने स्पष्ट नहीं होते, तो मेरा एक निवेदन है कि जितने तरह के विचार आ रहे हैं उन सब तरह के विचारों को लिख लीजिए, 5-7-10, और छोड़ दीजिए कुछ समय के लिए। इसके बाद क्या करना है ये हम आने वाले वीडियो में आपको बताएंगे। और आपको अगर इस समस्या से या इसके संदर्भ में कुछ कहना है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए, मैं जरूर उसको रिप्लाई करूंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि इन समस्याओं से हम कैसे निजात पाए। तब तक के लिए आप सबसे इजाजत लेता हूं, शुभ रात्रि, गुड लक।